श्रीलंका में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे दूसरी बार गिनती में साफ हुए, क्योंकि पहले दौर के गिनती में किसी भी प्रत्याशी को 50% वोट नहीं मिले। पिछले पहले चरण में टॉप पर रहे दो प्रत्याशी नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी के अनुरा कुमार दिसानायके और समागी जन बोला वेगा के साथित प्रेमदासा के दूसरी बार वोट की गणना की गई। इसी के साथ पहली बार वामपंथी की तरफ झुकाव वाले अनुरा दिसानायके राष्ट्रपति बने हैं। अनुरा आज कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में शपथ ग्रहण करेंगे। 2022 के आर्थिक संकट के चलते बदलाव की उम्मीद कर रहे युवा वोटरों की मदद से अनुरा राष्ट्रपति बनने में सफल रहे हैं। अनुरा ने 6 बार श्रीलंका के पीएम रह चुके मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को हराया। इतना ही नहीं, बरसों से श्रीलंका की सत्ता में काबिज राजपक्षे परिवार को सत्ता से बाहर कर दिया है। जीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अनुरा को बधाई दी।